वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, हाँ जी, तो आज के सेशन में हम पौड़ी 32 और 33 की संख्या देखेंगे। सो स्टार्टिंग विथ पौड़ी 32, पहली पंक्ति। एक दू जी बौ लख हो हे, लख हो वह लख वीस। अब इस पंक्ति पे थोड़ा ध्यान देना, पहली पंक्ति ही है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें नोट करने वाली है। पहली चीज, एक दू, इसको अलग अलग पढ़ना है, तो एक दू नहीं कर देना इसको, एक दू। जैसे हमने एक पंक्ति पहले भी देखी थी ना जपजी साहब की, जहाँ पे आता है कि नानक आखण सब को आखे, एक दू एक सयाणा, है ना। वहाँ पे भी एक दू आता है, वहाँ पे भी हम अलग अलग ही हमने देखा था कि ऐसे ही पढ़ना है, और यहाँ पे भी सेम चीज़ अप्लाई होगी। सो एक दू कहना है, एक साथ नहीं इसको पढ़ देना। अगला अक्षर है जीबो, इस पे थोड़ा सा ध्यान दो, ये कॉन्सेंट्रेट करने वाला अक्षर है। अब हम पंजाबी में हम पब्बे को कैसे पढ़ते हैं, पब्बा, और हिंदी में इसको अगर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे भ, है ना। पर अब ये चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे जो जीबो वाला अक्षर जो है उस पे पब्बे की साउंड ना पंजाबी वाली है ना हिंदी वाली है, ये कह लो एक तरीके से बीच वाली ही है। टू कीप इट सिंपल, आप ऐसे कह लो कि जो पब्बा है उसकी आवाज बब्बे के जैसे ही आएगी, पर जो उसका भार है, जो पब्बे का भार है, वो जज्जे के ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, जो जज्जे बिहारी है। तो कैसे साउंड आएगी, जी जी ना, जी नहीं बोलना, नॉर्मल नॉर्मल जी बोलेंगे तो जी आवाज आएगी, हमने कहना जी, है ना, फिर जी बॉ। सो एक दो जी बॉ, क्योंकि जीभ की बात हो रही है ना, तो जी बॉ, फिर लख होहे। आई होप आपको जीबो का क्लियर हो गया होगा, ये ना हिंदी वाला है। अभी मैं वैसे तीनों बोल के बता देता हूँ आपको। पहला हो गया पंजाबी वाला, अगर अगर मैं पब्बे को पंजाबी में जैसे बोलता हूँ वैसे अगर बोलूँ तो क्या होगा, एक दू जी पौ, एक दू जी पौ लख हो है। अगर मैं हिंदी में बोलूँगा तो होगा एक दू जी भौ लख हो है। अगर मैं इसको नॉर्मल जैसे हमको बोलना है वो कैसे है, जो एज पर संथ्या है वो है एक दू जी बौ, जी बौ, जी बौ, एक दू जी बौ। सो जी पौ, जी भौ और जी बौ। सो जी पौ पंजाबी, जी भौ हिंदी, जी बौ जो हमको बोलना है, ठीक है जी। सो एक दू जी बौ। नेक्स्ट आ गया लख, लख वर्ड जो है उसको अगेन बाहर दे के पढ़ना, बिकॉज वो काउंट की बात आ रही है, ये हम आगे भी लख वर्ड काफी बार आया जब जी साहब में, तो हमने वैसे पढ़ना है। उसके बाद आता है हो हे अक्षर, होहे को अगेन हाहे होड़ा हो लंबा, हाहे से हरी है छोटा, इसको हमने होहे नहीं कर देना, नॉर्मली ये सुनने में आता है कि हम होहे कर देते हैं, कि हो हे, हाहे में जो सिहारी है उसको भी हे कर देते हैं, तो वो नहीं करना, हाहे से हरी हो लंबा, हे हाहे से हरी है छोटा। सो हो हे, एक दू जी बौ लख हो हे, फिर लख हो वह, यहाँ पे फिर हो वह आया, रूल अप्लाई होगा, वव्वा मुक्ता है और हाहे में से हरी है, तो वव्वे और हाहे दोनों पे सूखम दुलाव आएगी। सो नॉर्मली हम ऐसे पढ़ देते हैं, होवे कर देते हैं, वव्वे के ऊपर डायरेक्टली दुलावा लगा देते हैं, तो डायरेक्टली दुलावा नहीं लगानी वव्वे के ऊपर, इसको हमने पढ़ना है होवे। सो लख होवे, फिर लख वीस, ये तो सिंपल है। सो इन टोटल ये पंक्ति हो गई, एक दू जी बौ लख हो हे, लख हो वह लख वीस। नेक्स्ट, लख लख गेड़ा आखी है, एक नाम जगदीश। अगेन लख अक्षर पे प्रेशर देना है और इनको अलग अलग पढ़ना है, लख लख गेड़ा आखी है, लख लख नहीं कह देना, जल्दी जल्दी आराम से कहना है, लख लख गेड़ा आखी है। अभी आखी है में भी सेम रूल अप्लाई होगा, हाहे में से हारी है, सामने वाला मुक्ता है, तो आखी है कहेंगे, अह मतलब ऐसे, अह नॉट आखी, अहे या आखी है, काफियों की आखी है साउंड आ जाती है, आखी है नहीं करनी है, एड़े में डायरेक्टली दो लाभा नहीं लगानी है। सो आखी है कहना है इसको, हाहे के वास भी आनी चाहिए लास्ट में। सो लख लख गेड़ा आखी है, एक नाम जगदीश। यहाँ पे जो जगदीश है ना, ये सिंगल लेटर है, पर इसमें जो जग है इस पे प्रेशर देना है, सो जगदीश कहना हमने, जगदीश नहीं जगदीश। सो लख लख गेड़ा आखी है, एक नाम जगदीश, एत राहे पाते पवड़िया,
चढ़िया होए 21 एत राहे सेम रारे करना लंबा हाय से हरी है छोटा। सो हमने राहे नहीं कहना, इसको हमने कहना है राहे राहे। और फिर पत, यहाँ पे जो पत अक्षर है इसको प्रेशर नहीं देना, पत नहीं कहना, पत सॉफ्टली ही पढ़ना है। पवड़िया चढ़ी है, और भी जो चढ़ी अक्षर है इस पर हमने प्रेशर देना है, जैसे चढ़ने की बात हो रही है ना, सो इस पर हम जब चढ़ते हैं तो जैसे पंजाबी में भी नॉर्मली चढ़ी अक्षर को ऐसे ही कहते हैं, थोड़ा सा भार दे के पढ़ते हैं, हलंत सी लगा के, चढ़ी है कि उधर चढ़ जा ना। सो सेम चीज़ इधर भी है, तो चढ़ी है कहना, थोड़ा सा प्रेशर देना यहाँ पे। सो एत राहे पाते पवड़िया चढ़िया होए, होए में अगेन सेम रूल, हाहे होड़ा हो लंबा, इड़ी से हारी ए छोटा, चढ़िया होए 21। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो 21 है कक्के में बिहारी है, इड़ी में से हारी है, सो 21 नहीं कहना, इड़ी से हारी ए है, सो 21 ए, इड़ी से हारी ए 21। जो कक्के की ई है उसको लंबा खींचना है, हिंदी में अगर हम नॉर्मली देखें तो 21 हो जाता है ना, तो इसको 21 नहीं पढ़ना, उसमें क्या हो गया कि फिर कक्के में से हारी लग गई। सो वैसे तो सिहारी लगी नहीं, अगर सिहारी हम लगाएंगे तो कक्के सिहारी के की साउंड आती है, अगर आप 21 पढ़ देते हो तो बिल्कुल ही वो हिंदी वाली छोटी ई की साउंड है 21, तो हमने 21 नहीं पढ़ना इसको किसी भी उस एंगल से, इसको हमें पढ़ना है ईडी सिहारी ए कक्के बिहारी की सस्सा 21 21। सो टोटल एत राहे पाते पवड़िया चढ़िया होए 21, सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस। सुन गल्ला कहना है, बिंदी नहीं लगानी लल्ले के ऊपर, गल्ला नहीं कहना, और गल्ला अक्षर जो है उस पर प्रेशर देना है छोटा सा मतलब प्रेशर देना है, सो गला नहीं कह देना गल्ला, क्योंकि उधर बातें वाली हो रही है, जिस जो पंजाबी में गल्ला वर्ड होता है ना कि बातें करनी, उसको पंजाबी में गल कह देते हैं, तो सेम चीज़ इधर अप्लाई होगी, इधर हमने प्रेशर देना है, गला नहीं कहना, गला कहेंगे तो फिर ये गला हो गया हमारा है ना, वो नहीं कहना। सो सुन गल्ला, सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस, बाकी अक्षर सारे नॉर्मली है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आकाश की कीटा आई रीस सिंपली है सारे। नेक्स्ट, नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस, यहाँ पे भी कुछ नहीं है नोट करने वाला, बस एक ठमक का ध्यान रखना है, कूड़ी के ऊपर हमने थोड़ा सा एक ठमक देनी है छोटी सी। सो नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस। ओके पौड़ी अगली 33, आखण जोर चुपै नह जोर, चुपै अक्षर जो है इस पर थोड़ा सा प्रेशर देना हमने, चुपै चुपै नहीं कह देना बिल्कुल ही जैसे लिखा है, सो चुपै जैसे अगेन पंजाबी में भी हम कहते हैं ना चुप, सेम चीज़ इधर अप्लाई होगी, चुप सो चुपै, आखण जोर चुपै नह, नह नहीं कहना इसको, नह कहना है क्योंकि हा हा मुकता है, उसके सामने वाला जो नन्ना है वो भी मुकता है, सो दोनों मुकते हैं तो क्या होगा कि दोनों के ऊपर सूखम दिलावा लग जाएगी, सो नह, दोनों को हल्की सी नह ए की साउंड आ रही है दोनों के ऊपर, सो नह, इसको नह नहीं कहना हमने। सो आखण जोर चुपै नह जोर, जोर न मंगण देण न जोर, न कहना है इधर, अभी ये वाली पौड़ी में ना नन्ना बहुत जगह आएगा, सो ध्यान देना है कि हर जगह हम न ही कह रहे हैं, नन्ने में कन्ना नहीं लगा रहे, ना नहीं कहना हमने, मैंने स्लाइड में सब में लिख दिया हुआ है, बट स्टिल यहाँ पे दो बार नन्ने आए हैं, दोनों में न न ही कहना है, ना ना नहीं कहना। सो जोर न मंगण, अभी एक ध्यान दो इधर, जो मंगण है ध्यान दें कि जो मम्मे की जो टिप्पी है वो मम्मे के ऊपर ख़त्म हो जानी चाहिए, उसका असर गग्गे के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार सुनने में आता है कि उसका असर गग्गे के ऊपर भी आ जाता और वो फिर बन जाता है अपना गंगा, जो इधर लिखा हुआ है वो गंगे की साउंड हो जाती है, हमने ये नहीं करना। तो मंगण ध्यान दो कि जब गग्गा है वो गग्गे की साउंड ही आएगी, मंगण ऐसे नहीं कहते, अगर हम मंगण कह दिया तो फिर वो गंगा हो गया यहाँ पे, सो मंगण नहीं कहना, मंगण गग्गे की साउंड प्रॉपर आनी चाहिए। सो जोर न मंगण
देन न जोर, जोर न जीवन मरण न है जोर। अगेन नन्ना कहना है, ना नहीं कहना, और अगेन नह इधर अक्षर दोबारा फिर से आता है, तो इसको भी हमने सेम रूल अप्लाई करना है, नह नह नहीं कहना इसको। सो जोर न जीवन मरण नह जोर, जोर न राज माल माने सोर। इधर ध्यान दो थोड़ा सा, नॉर्मली हम इसको आई नो हम ऐसे पढ़ते हैं कि जोर न राज माल मन सोर, है ना, उसको पूरा आप रीवायर करो, अभी स्क्रैच करो, ठीक है, वो गलत है। जोर न राज माल मन सोर नहीं है, जोर न के ऊपर हमारी जम्मक है, राज माल एक साथ है, फिर मन सोर फिर एक साथ है, ठीक है जी। सो जोर न राज माल माने सोर, मन सोर अलग से कहना हमने, माल मन सोर नहीं कहना, माल जो है वो राज के साथ पढ़ा जाएगा, मतलब कि पहला पोर्शन है, मतलब इन इन शॉर्ट जो हमारा विश्राम है वो माल के ऊपर है, राज के ऊपर नहीं है। सो जोर न राज माल माने सोर। और हाँ जी, कॉटेज जो मन अक्षर है उसको मन ही पढ़ना है, ध्यान दें कि मन के ऊपर हमारी टिप्पी ना लग जाए, सो मन ना हो जाए वो मन, ठीक है, सॉफ्ट मन, मन नहीं मन, क्योंकि मन की बात हो रही है तो ये मन है, वो अगर टिप्पी लग जाती है वो फिर हो जाता है कि मन मन, मतलब कि किसी कहना कि मानने वाली बात है ना, कि मेरी बात मानो, वो फिर मन हो जाता है, टिप्पी वाला हो जाता है, ये जो है ये मन की बात ही रही है तो ये सॉफ्ट ही जाएगा मन। सो जोर न राज माल माने सोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार। अगेन न कहना है, ना नहीं कहना, सुरती ज्ञान, ज्ञान एडे के साथ है, सो ज्ञान कहना है, ध्यान देके हम यया ना कह दें एडे की जगह, सो हम ज्ञान नहीं कहना, आन कहना है, यान ज्ञान और ज्ञान इनमें फर्क थोड़ा ध्यान दो, सो यया नहीं आना चाहिए इधर, ध्यान देना है, ज्ञान है तो ज्ञान ही आएगा। और विचार में जो भव्य में बिहारी है उसको हमने स्ट्रेच करना, लंबा खींचना, सो विचार। इन टोटल जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटे संसार। अगेन न कहना है, ना नहीं कहना, जुगती छुटे। सो अब ये इधर जो छुटे अक्षर है, अगेन छच्छे के साथ आनी चाहिए आवाज, जैसे हम पिछली पौड़ी की जब हम रिवीजन कर रहे थे हमने उधर देखा था अक्षर, सेम चीज इधर भी है। सो छुटे कहना है, छुटे नहीं कहना, तो श की आवाज नहीं आनी चाहिए, छ की आवाज आनी चाहिए, छुट्टा, जैसे छतरी होता है, ठीक है जी। सो छुट्टा कहना है, छुट्टा नहीं कहना। जोर न जुगती छुट्टा संसार, जिस हाथ जोर कर वेख है सोए। अभी यहां पे भी एक ध्यान देना है कि नॉर्मली ये सुनने में आता है कि हाथ पे विश्राम लगाया जाता है, कि जिस हाथ, फिर कह देते हैं जोर कर वेख है सोए, है ना, वो नहीं है, जिस हाथ जोर, जोर के ऊपर विश्राम है, और वेख है सोए, जो लास्ट में अक्षर है, सोए कहना है इसको, सोए नहीं कहना, क्योंकि ससे होड़ा ईडी से हरी ए छोटा, सो सोए सोए। सो जिस हाथ जोर कर वेख है सोए, नानक उत्तम नीच न कोए। विश्राम हमने नानक पे लगाना है, यहाँ पे काफी जन उत्तम पे लगा देते हैं, सो देखो लाइक कि नानक उत्तम नीच न कोए, है ना, ऐसे नहीं कहना, उत्तम पे विश्राम नहीं लगाना, नानक पे विश्राम लगाना है, सो नानक उत्तम नीच न कोए, न कहना है, ना नहीं कहना, और सेम चीज कोए कहना है, जैसे हमने पीछे पंक्ति में सोए देखा था, ऐसी यहाँ पे है कोए, कोए कके होड़ा को लंबा, ईड़ी से हरी ए छोटा, सो नानक उत्तम नीच न कोए। पुल्ला चुका दिखे माँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।